और अब जल प्रलय में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर आसमानी आफत से हाहाकार मचा है। कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना में हालात सबसे ज्यादा खराब है। जगह जगह कई लोग बाढ़ में फंसे हैं। अलग अलग शहरों में कैसी है स्थिति, कहां कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, पूरी डिटेल रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट में देखिए। आसमानी आफत की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जहां के 10 से ज्यादा जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ग्वालियर चंबल इलाके की नदियां उफान पर हैं। कई गांवों में पानी घुसने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। पहले आपको शिवपुरी के पर्यटक स्थल भदैया कुंड की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ SDRF की टीम ने जान जोखिम में डालकर एक युवक का रेस्क्यू किया। वाटरफॉल के बीच फंसे युवक को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें भी शिवपुरी की हैं। यहाँ पार्वती नदी में उफान आने से 6 गांव चारों ओर से पानी से घिर गए। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। NDRF और SDRF के साथ स्थानीय प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। उधर मुरैना में भी भारी बारिश से जल प्रलय जैसे हालात बन गए। यहाँ नदी में उफान से कई गांवों का संपर्क टूट गया। करीब 10 से ज्यादा गांव टापू बन गए। प्रशासन लगातार लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। अब तक 100 लोगों को राहत कैंप में भेजा जा चुका है। अब एक तस्वीर श्योपुर की देखिए। यहाँ नदी में उफान से पूरा शहर समंदर बन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें एक मैरिज हॉल की हैं, जहाँ शादी समारोह में शामिल होने आए 70 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। जब स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक एक करके सबको मैरिज हॉल से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में बीते 20 दिनों से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात के बाद CM शिवराज ने आपात बैठक बुलाई और प्रभावित जिलों के DM से बात की। अब तक 1,600 लोगों को NDRF, SDRF की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला था। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो लोग बाढ़ में घिरे चिंता ना करें। आपके पल पल की चिंता हम कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास रखें, अफवाहों में ना आए। बीच में कहीं ये अफवाह फैल गई कि कोई बांध टूट रहा है, कोई बांध टूट नहीं रहा, सब सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने NDRF, SDRF और एयरफोर्स के अधिकारियों से भी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ली। उधर मौसम विभाग ने कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, साथ ही नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल न्यूज 24।